15 जून को गलवान वैली में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच एक झड़प हुई। इस झड़प में भारतीय खेमे के 20 सैनिक शहीद हुए, जबकि काफी सैनिक घायल भी हुए। लेकिन चीन के हताहत हुए सैनिकों का आंकड़ा सामने नहीं आया। यूं तो सोशल मीडिया पर यह संख्या 5 से 43 हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक रूप से किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा है। अब यह मालूम पड़ा है कि सोशल मीडिया पर जो नए दावे किए जा रहे हैं, उनकी माने तो गलवान में हुई झड़प में हताहत हुए चीनी सैनिकों की संख्या 100 है। भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने एक संदेहास्पद वेबसाइट creatly.in की एक रिपोर्ट ट्वीट की। इस रिपोर्ट में कथित रूप से पूर्व चीनी मिलिट्री ऑफिसर रह चुके जियानली यांग का हवाला देकर ऐसा कहा गया है। जियानली यांग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता के बेटे भी बताए जा रहे हैं। ट्वीट के अनुसार यांग का कहना है कि 15 जून की रात भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प में 100 से ज्यादा चीनी सैनिकों की मौत हुई है। रिपब्लिक टीवी ने 7 जुलाई की एक रिपोर्ट में यही दावा दिखाया। रिपब्लिक टीवी ने एक ट्वीट दिखाया जिसमें ऐसा ही दावा किया जा रहा था। माय नेशन ने भी ऐसी ही एक रिपोर्ट पब्लिश की है। मगर इस दावे की असलियत क्या है? मोटे तौर पर देखा जाए तो इस दावे के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो कि ये जाहिर कर देती हैं कि ये दावा बेबुनियाद है। क्यों? हम आपको बताते हैं। असल में इस दावे को शुरुआती बढ़ावा दिया ट्विटर हैंडल @newsline_ife ने। यह हैंडल बीते दिनों खासा चर्चा में रहा है, क्योंकि इसने अलग अलग मौकों पर गलवान में मरने वाले चीनी सैनिकों की संख्या बगैर किसी वेरिफिकेशन के बताई है। 100 से ज्यादा सैनिकों के हताहत होने की बात इसने 2 जुलाई को ट्वीट की थी। इसी अकाउंट ने पहले भी ये ट्वीट किया था कि झड़प में 5 चीनी सैनिक मरे हैं और 11 घायल हुए हैं। बाद में इसने ट्वीट किया कि 43 चीनी सैनिक मारे गए हैं। ये दोनों ट्वीट बाद में डिलीट कर दिए गए। न्यूज़लाइन आईएफई ने @drapr007 हैंडल को टैग करते हुए ये दावा ट्वीट किया था। इस हैंडल ने असल में यही बात 1 जुलाई को ट्वीट की थी। अब बात इस creatly.in नाम की वेबसाइट की। ये वो वेबसाइट है जिसने 100 चीनी मौतों के बारे में आर्टिकल पब्लिश किया था। creatly.in के ट्विटर बायो से ही मालूम पड़ जाता है कि आखिर इस पर मिलने वाले दावों की क्रेडिबिलिटी कितनी है। ये वेबसाइट कोई पत्रकारिता की वेबसाइट नहीं है, बल्कि यूजर्स के कंटेंट को पब्लिश करती है। यानी आप और हम इस पर कुछ भी लिखकर छपवा सकते हैं। ऐसे पब्लिश हुए एक आर्टिकल की बिना पर हताहत हुए चीनी सैनिकों की संख्या 100 बताई जाने लगी। न्यूज़कास्ट प्रत्यक्षा.com का एक आर्टिकल भी कई लोगों ने शेयर किया। इस वेबसाइट का भी ऐसा ही कुछ दावा था। इस दावे के दौरान इन्होंने द वॉशिंगटन टाइम्स के एक आर्टिकल का हवाला दिया, जो कि जियानली यांग का एक ओपिनियन पीस था। अब ये ओपिनियन पीस क्या था ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं उस शख्स की जिसके कथित बयान की वजह से 100 सैनिकों की ये बात शुरू हुई। हर जगह यही कहा जा रहा है कि जियानली यांग पूर्व चीनी मिलिट्री अधिकारी हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी CPC के पूर्व नेता के बेटे हैं। ये बात सच है कि वो पूर्व CPC नेता के बेटे हैं, लेकिन वो चीन की मिलिट्री में कभी कोई अफसर थे ही नहीं। जियानली असल में चीन के मुखर विरोधी हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हैं। वो ह्यूमन राइट्स से जुड़े एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने US में रहकर अपनी पढ़ाई की। वो तियानमेन स्क्वायर एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं और इन्हें 2002 में चीनी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि सरकार के मुताबिक वो मजदूरों को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। जियानली को 2007 में रिहा किया गया। अब बात होगी उनके द वॉशिंगटन टाइम्स में हाल ही में छपे उस ओपिनियन पीस की, जिसने ये सारा बखेड़ा खड़ा किया। इस ओपिनियन पीस में जियानली ने बताया कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने चीनी सैनिकों की मौत के बारे में चल रहे आंकड़ों को एक्नॉलेज तक नहीं किया और 40 चीनी सैनिकों की मौत की भारतीय रिपोर्ट्स को भी झूठी बता दिया। जियानली ने अपने पीस में लिखा कि आखिर ऐसा कौन सा देश होगा जो कि अंतिम संस्कार का सम्मान बख्शने की तो छोड़िए, सरहद पर अपने सैनिकों की शहादत को भी मानने से इनकार कर देता है। चीन असल में इस बात से डरा हुआ है कि अगर उसके हताहत हुए सैनिकों की संख्या बाहर आ गई, जो कि उसके दुश्मन से कहीं ज्यादा है, तो देश में गुस्सा फूट सकता है और बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, और ये चीन में CCP के वजूद के लिए खतरा बन सकता है। इस पूरी रिपोर्ट में एक भी जगह जियानली ने चीनी सैनिकों की मौत के बारे में कोई भी आंकड़ा नहीं दिया। यानी जियानली ने असल में 100 सैनिकों की मौत या उनके चोटिल होने जैसी
कोई भी बात कभी कही ही नहीं। ये 100 चीनी सैनिकों के मारे जाने का गलत दावा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया उसमें जीडी बख्शी, रमेश सोलंकी, राधा रमण दास और चयन चैटर्जी मुख्य नाम है। ज्यादातर ने newscastpratyaksha.com के आर्टिकल को ही शेयर किया था।